काफी बार ऐसा होता है जब हम दूध उबालने के लिए रखते हैं या तो हम भूल जाते हैं या कभी पास में खड़े भी होते हैं तो हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाता है तो दूध उबल करके बाहर आ जाता है। वैसे तो आज मैं आपको एक स्पेशल खीर बनाना बताऊंगी, पर इसी के साथ में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आपके घर में कभी भी दूध उबल करके बाहर नहीं आएगा और न ही पैंदे में चिपकेगा। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर 1/4 कप जितना शक्कर डाल देते हैं। शक्कर को जब पैन में डालते हैं उसी समय हमें चलाना नहीं है, इसको धीरे धीरे अपने आप पिघलने देना है। थोड़ी शक्कर पिघल जाएगी उसके बाद में इसे हम चलाएंगे। यदि आप पहले ही चलाना शुरू कर देंगे तो शक्कर अच्छे से पिघलेगी नहीं। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं शक्कर का हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है और शक्कर थोड़ी थोड़ी पिघलने लग गई है। इसमें आपको पानी वगैरह नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही शक्कर धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। अभी इसको हम थोड़ा सा चला देंगे जिससे सभी जगह से अच्छे से पिघल जाएगी। आंच को इस समय थोड़ा धीरे कर लेंगे जिससे पूरी शक्कर अच्छे से गल जानी चाहिए। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं शक्कर पूरी पिघल गई है और हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसी तरह से कलर आ जाना चाहिए। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है और इस प्लेट को मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। यदि आपके पास बटर पेपर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस प्लेट को हम यहाँ रख देते हैं और शक्कर को जो हमने पिघल के तैयार किया है उसको इसमें डाल देते हैं। पूरी शक्कर को इसमें हमें डाल देना है। इस समय ये बहुत ही गर्म होती है तो हाथ से टच वगैरह नहीं करें। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और एक छोटे पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जितना घी लिया है और गैस को चालू कर देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाता है आंच को हम धीरे कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने थोड़े काजू, थोड़ी बादाम, थोड़े पिस्ते और थोड़ी किशमिश लिए। इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं और नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें चिरौंजी ऐड नहीं की है, आप चाहे तो चिरौंजी भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये सभी धीरे आंच में ही हमें भून के तैयार करना है। धीरे धीरे आंच में इसे भुनेंगे तो इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा, इसी के साथ इसका क्रंची टेस्ट है वो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप खीर ज्यादा बनाते हैं तो ड्राई फ्रूट ज्यादा भी डाल सकते हैं और सबको अलग अलग भून के भी तैयार कर सकते हैं। धीरे धीरे इसके अंदर जो किशमिश डाली है वो भी फूलने लग गई है और ड्राई फ्रूट्स का भी हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, और इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। ध्यान रखें इसके पीछे जो घी बच गया है इसका इस्तेमाल हम इसी में करेंगे। अभी हम ड्राई फ्रूट्स को और घी को दोनों को साइड में रख देते हैं। अभी खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है। आप कभी भी दूध गर्म करें इस चीज का आप ध्यान रखें, सबसे पहले आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और पानी को इस तरह से सब जगह फैला दें। पानी डालने का रीजन ये होता है, वैसे तो अपना बर्तन एकदम स्मूथ होता है पर कितना भी स्मूथ हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसमें कुछ कैविटीज होती है, उसके अंदर ये पानी चला जाता है। यदि आप सीधा डायरेक्ट दूध को डालेंगे तो उन कैविटीज के अंदर दूध चला जाता है। जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले दूध जलने लग जाता है। यदि आप पानी डालेंगे तो उन कैविटीज के अंदर दूध जाके सेटल नहीं होगा, पानी पहले से ही सेटल हो जाएगा। उसके बाद में जब हम दूध को गर्म करेंगे तो दूध नीचे चिपकेगा नहीं, इसीलिए सबसे पहले पानी डालना चाहिए। इस तरह से पानी को सबसे पहले फैला दें और उस पानी को निकाल दें, इसमें इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी आप दूध गर्म करें तो इसी तरह से करें तो आपके दूध चिपकेगा नहीं। ये बहुत ही काम की टिप है। अभी मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। ये मैंने होल मिल्क लिया है, आप अपने घर में जो भी दूध का इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। तो दूध को अभी गर्म करने से पहले इसमें से 3/4 कप जितना दूध निकाल लेते हैं। इस दूध का हमें इसी रेसिपी के अंदर आगे इस्तेमाल करना है। अभी इसे साइड में रख देते हैं और दूध को गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब इस दूध को गर्म करने के बाद में इसे हमें थोड़ा उबालना पड़ेगा, इसको गाढ़ा करना है। इस दूध को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो दूध उबल करके बाहर आने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप और बताती हूँ। कभी भी आप किचन में काम कर रहे हैं और दूध आपके उबलने के लिए रखा हुआ है, उस समय आंच को आप मध्यम कर लें, आंच को तेज नहीं रखें। और मध्यम करने के बाद में इस तरह की आपके पास लकड़ी की कोई कड़छी हो या खुरपी हो या स्टील की खुरपी हो तो उसको भी ले सकते हैं। जब आप स्टील की खुरपी लेंगे तो धीरे धीरे वो गर्म हो जाती है। लकड़ी की आपके पास हो तो इस तरह से आप इसे रख दें। ऐसे आप रख देंगे तो दूध गर्म होने के बाद में बाहर नहीं निकलेगा, जिससे आपका गैस भी खराब नहीं होगा, प्लेटफॉर्म खराब नहीं होगा और दूध वेस्ट भी नहीं होगा। अभी आप देख पा रहे हैं दूध के अंदर उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद भी दूध बाहर नहीं निकल रहा है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है जिससे दूध इसके अंदर ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें, आंच को मैंने इस समय मध्यम रखा है, आपको भी आंच को मध्यम ही रखना है। दूध ऊपर भी आएगा तो कभी बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर अंदर ही रहेगा। अभी आंच को हम थोड़ा सा धीरे कर देंगे और इसे हम इसी तरह से उबलने देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने 1/4 कप चावल लिया है जिसको मैंने 2-3 बार साफ पानी से धोकर के भिगा के रख दिया था। ये 15 मिनट में चावल अच्छे से भीग करके तैयार हो गए हैं। चावल को आप इस तरह से तोड़ के देखें, आराम से टूट रहे हैं चावल। आप अपने घर में जो भी चावल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जरूर नहीं आप साबुत चावल ले, यदि आपके पास टुकड़ा चावल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चावल का पानी निकाल लेंगे, इस चावल में से आधे चावल को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे, आधे चावल को हम इसी में रहने देंगे। अभी जो हमने 3/4 कप जितना दूध निकाल के रखा है उसमें से 2 टेबल स्पून जितना दूध इसमें डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालना है पहले, और इसको ढक्कन लगा करके पीस लेते हैं। इस तरह से दरदरा पीस के ही तैयार करना है। दाने दाने आपको इसमें दिख रहे हैं, अभी जो पीछे बचा हुआ दूध है वो पूरा इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ में खीर अच्छी गाढ़ी बन के तैयार हो, इसके लिए हमने आधा कप जितना मिल्क पाउडर लिया है। आप स्किम मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं और डेरी व्हाइटनर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ जो ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई करके रखा है, जो पीछे जो घी बचा हुआ है वो भी इसी में डाल देते हैं, जिससे घी भी हमारा वेस्ट नहीं होगा और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी ढक्कन लगा करके इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्सी के जार में बहुत ही अच्छा मिक्स हो जाता है। यही काम यदि आप बाउल में करेंगे तो उसमें गांठें वगैरह पड़ जाएगी। ये सबसे इजी मेथड है। अभी साइड में दूध को उबलते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो आप देख पा रहे हैं दूध इसके अंदर ही है और कंटिन्यू उबल रहा है। एक चीज का ध्यान रखना है, आंच को आपको तेज नहीं रखना है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। अब जो चावल हमने बचा करके रखे थे उसको हल्का सा हाथ से इस तरह से कर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं तोड़ना है, थोड़ा सा तोड़ लेना है, और ये इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल देते हैं। ये डालना ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो आप डालें। यदि आप केसर ऐड कर रहे हैं तो इसी स्टेज पर ऐड करें, जिससे केसर का कलर इसमें बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी चावल को भी हमने 2 मिनट तक पका लिया है। इसके बाद में जो चावल को हमने पीस करके रखा है वो इसमें डाल देते हैं। ये भी इसके साथ में अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। यदि आप अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी चावल को डालने के बाद में मैंने 10 मिनट तक और पका लिया है, तो आप देख पा रहे हैं खीर काफी गाढ़ी हो गई है। आपको देख के ही लग रहा होगा जैसे रबड़ी गाढ़ी होती है, उसी तरह से हो गई है। अभी जो शक्कर को हमने जमा करके रखा है ये भी अच्छे से जम गई है। अभी इसे हम निकाल लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं, यदि साबुत भी डालेंगे तो अंदर पिघल जाएगा। हम इसे साबुत ही डाल रहे हैं और इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। इसी के साथ आपको इस स्टेज पे लगे ये ज्यादा गाढ़ा हो गया है, आप गैस को बंद कर सकते हैं, धीरे धीरे इसके अंदर पिघल जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देते हैं, इलायची का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आ जाएगा। इसी के साथ जो ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई करके रखा है ये भी इसमें डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे शक्कर इसके अंदर गल रही है इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। इस तरह से शक्कर को कैरामलाइज करके डालते हैं तो उसका टेक्सचर भी अच्छा आता है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और कलर तो बहुत ही अच्छा आता है। और शक्कर कैरामलाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यदि आपको और भी फास्ट करना हो तो बिना कैरामलाइज किए हुए नॉर्मल शक्कर भी डाल सकते हैं। मैं इस तरह से डालती हूँ, इसे दिखने में ये बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से हमारी स्पेशल खीर बन के तैयार हो गई है। जैसे जैसे ठंडी होगी रबड़ी की तरह गाढ़ी हो जाएगी, तो इन गर्मियों में इस तरह की खीर बना करके ठंडी ठंडी आप जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।